फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। डॉक्टर फास्टस एलिजाबेथन एज से पहले कह सकते हैं थोड़ा सा एक प्ले लिखा गया था और ये लिखा गया था क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स को अबाउट द ड्रामेटिस्ट, अबाउट द प्ले, समरी टू द प्रोलॉग। प्रोलॉग मीन्स प्ले शुरू होने से पहले उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, उसको हमने प्रोलॉग बोला है जो इसमें दिया गया है। उसके बाद हम कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद में समरी एनालिसिस ऑफ द प्ले इसको करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभाष गुरिया, आपका फ्रेंड। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप लिटरेचर से रिलेटेड अगर स्टूडेंट हो तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द ड्रामेटिस्ट। क्रिस्टोफर मार्लो 1560 to 1593 एलिजाबेथन पोइट एंड शेक्सपियर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीसेडेसर। मतलब ये कि शेक्सपियर का खास तौर पे उसका पूर्ववर्ती था। शेक्सपियर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रीडिसर्सर, मतलब वो उसका पूर्ववर्ती था इन इंग्लिश ड्रामा। इंग्लिश ड्रामा में उसका पूर्ववर्ती था क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि शेक्सपियर ने फॉलो किए। हु इज नोटेड स्पेशली फॉर हिज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्जन। और डॉक्टर फास्टस इसलिए भी खास मायने रखता है इंग्लिश लिटरेचर में क्योंकि इसमें ब्लैंक वर्स का यूज हुआ है। ब्लैंक वर्स मतलब ऐसा वर्स जिसमें राइम ना हो, मतलब नॉन राइम्ड वर्स जिसको बोल सकते हैं अपने। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने इसका भी एक्सपेरिमेंट किया था। क्रिस्टोफर मार्लो के फोर प्लेज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टेम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 1 एंड 2, ये एक ही है, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड 2 एंड डॉक्टर फास्टर। तो ये इसके फोर प्ले हैं और फोर ही इसकी ये ट्रेजिडी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले हैं जो आपको हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मिलते हैं। अब जान लेते हैं अबाउट द प्ले, प्ले में क्या है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, तो इसमें डॉक्टर फास्टस क्या करते हैं, अपने आत्मा को बेच देता है लूसीफर को कि मैं 24 ईयर्स के बाद में आपसे 24 ईयर्स के बाद में आप मेरी आत्मा ले लेना, तब तक मुझे इंजॉय करने के लिए मैजिक दे दो क्योंकि मैं मैजिक सीखना चाहता हूँ। मार्लोज मोस्ट फेमस प्ले इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस। फास्टस टेक्स ओवर द ड्रामेटिक फ्रेमवर्क ऑफ द मोरलिटी प्लेज इन इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ ए स्टोरी ऑफ टेम्पटेशन, लालच की कहानी प्रस्तुत करने में इसने एक मॉरलिटी प्ले का रूप ले लिया है। फॉल, उसका पतन एंड डैमनेशन एंड इट्स फ्री यूज ऑफ मॉरलिटी फिगर्स सच एज द गुड एंजल एंड बैड एंजल। मतलब कि लालच था उसमें, उसका पतन था, उसको फटकार भी लगी है और इसने फ्री यूज किया है मॉरलिटी फिगर का। फिगर्स मतलब इसमें जो करेक्टर्स हैं वो इस प्ले में, और ये सब किया है क्रिस्टोफर मार्लो ने। मार्लो ने इसमें गुड एंजल्स और बैड एंजल्स को लिया है और 7 डेडली सिंस इनका भी यूज किया है, अलोंग विद द डेविल्स लूसीफर एंड मेफिस्टोफेलिस। मेफिस्टोफेलिस इसका भी यूज किया, ये उनका सुपर हीरो है डेविल्स का, और ये उसका इसका मतलब इसका कह सकते हैं कि इसके हेरार्की में से छोटा है, हेरार्की में सुप्रीम ये है। इन डॉक्टर फास्टस टेल्स मार्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ डॉक्टर टर्नड नेक्रोमेंसर फास्टस। मतलब डॉक्टर फास्टस के बारे में बताता है मार्लो, जो कि डॉक्टर होने के बाद में भी वो टर्नड हो जाता है एक जादू सीखने वाले जादूगर या मैजिक मैजिशियन फास्टस में, हु सेल्स हिज सोल टू द डेविल इन एक्सचेंज फॉर नॉलेज एंड पावर, जो कि ताकत और ज्ञान के लिए अपनी सोल को किसको बेच देता है, डेविल को बेच देता है। और डेविल कौन है, ये है डेविल, और बुलाता किसको, पहले वो इसको बुलाता था कि इसके समझौता करवा दे। अब इसकी समरी टू प्रोलॉग देखते हैं। द कोर्स ए सिंगल एक्टर एंटर्स। अब हम देखते हैं प्रोलॉग में, कोर्स में एक सिंगल एक्टर प्रेजेंट होता है और वो कोर्स है एंटर्स एंड इंट्रोड्यूसेस द प्लॉट ऑफ द प्ले, जो मैं प्ले के बारे में बताता है। इट विल इन्वॉल्व नाइदर लव नॉर वॉर, इसमें न तो वार है न ही लव है। इट टेल्स अस बट इंस्टीड विल ट्रेस द फॉर्म ऑफ फास्टस फॉर्चून।
अब वो फर्स्ट सन है, उसकी फॉर्चून के बारे में हमें बताता है किस प्रकार उसका फॉर्चून बना। द कोर्स क्रॉनिकल्स हाउ फर्स्ट वॉज बोर्न टू लवली पेरेंट्स। कोर्स है हमें वो एक एक करके चीजें बताता है क्रॉनिकल्स में कि फर्स्ट कैसे बोर्न हुआ इन द स्मॉल टाउन ऑफ रायवोड, रायवोड में कैसे पैदा हुआ, हाउ ही केम टू द टाउन ऑफ विटनबर्ग टू लिव विद हिज किन्समैन, अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के साथ वो कैसे उस टाउन में रहने के लिए आया विटनबर्ग में, एंड हाउ ही वॉज एजुकेटेड एट विटनबर्ग ए फेमस जर्मन यूनिवर्सिटी, उस टाइम की जर्मन यूनिवर्सिटी थी उसमें वो कैसे वहाँ पे एजुकेटेड हुआ वो भी बताता है हमें कोर्स। आफ्टर अर्निंग द टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑफ डिवाइनिटी, डिवाइनिटी में उसने डॉक्टर किया था, और वो उसको टाइटल को लेने के बाद में फर्स्ट बिकेम फेमस फॉर हिज एबिलिटी टू डिस्कस थियोलॉजिकल मैटर्स। अब वो थियोलॉजिकल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए एबिलिटी से फेमस हो गया था, तो वो काफ़ी फेमस होने के बाद थोड़ी एरोगेंट नेचर आई गई थी उसमें। दस कोर्स एडेड दैट एड्स दैट फर्स्ट इज स्वॉलन विद कनिंग, मतलब उसमें चतुरता आ गई थी और धूर्तता की उसमें स्वेलिंग आ गई थी, ऐसा हो सकता है कि वो उसके नेचर में चेंजमेंट आ गई थोड़ी। एंड हैज बिगेन टू प्रैक्टिस नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक, और काला जादू उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था वहीं से, क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा फर्क आ गया था यहीं से। अब जान लेते हैं इसके करेक्टर्स की। तो पहला करेक्टर हमारा है फास्टस, द प्रोटेगनिस्ट फर्स्ट इज अ ब्रिलियंट 16th सेंचुरी स्कॉलर फ्रॉम वेटनबर्ग, वेटनबर्ग यूनिवर्सिटी का 16वीं शताब्दी का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था डॉक्टर फास्टस, जर्मनी हुज एम्बिशन फॉर नॉलेज वेल्थ एंड वर्ल्डली माइट मेक्स हिम विलिंग टू पे द अल्टीमेट प्राइस इज सोल्ड टू लूसीफर इन एक्सचेंज फॉर सुपरनेचुरल पावर्स, अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए वो लूसीफर को अपनी सोल है वो एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज कर देता है मतलब बदल देता है अपनी सोल को कि बदले में आप मुझे वो सुपरनेचुरल पावर्स दे दो। फर्स्ट इनिशियल ट्रेजिक ग्रैंडियर, उसकी जो शुरू की जो ट्रेजिक जिसको बोल सकते हैं कि दुख दुष की शान थी वो डिमिनिश्ड बाय द फैक्ट, वो कम हो गई किस फैक्ट से, दैट इट नेवर सीम्स कंप्लीटली श्योर ऑफ द डिसीजन टू फॉरफिट हिज सोल, अपने सोल को बेचने का जब वो सौदा करता है लूसीफर के साथ है तो वो डिसीजन पे श्योर नहीं था, एंड कॉन्स्टेंटली वेवर्स अबाउट वेदर और नॉट टू रिपेंट, और इस सौदा करने के बाद में भी वो निरंतर रूप से डगमगाता रहा अपने फैसले पे, वेवर्स मतलब जो वेवरिंग नेचर का हो जो बदलता रहता हो डगमगाता रहता हूँ, वेदर और नॉट टू रिपेंट, मुझे पश्चाताप करना होगा या नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी सोल बेच दी, आत्मा बेच दी है। हिज एम्बिशन इज टू एडमायरेबल, इज एडमायरेबल एंड इनिशियल अवेशन, उसकी जो एम्बिशन थी ना वो एडमायरेबल है और शुरू में तो बहुत शानदार थी, येट ही अल्टीमेटली लैक्स ए सर्टन इनर स्ट्रेंथ है, फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत कमजोरी थी निश्चित रूप से, इनर स्ट्रेंथ की उसमें कमी थी, लैक थी। अब दूसरा करेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटेगनिस्ट के बाद में सबसे खास यही है, ये है मेफिस्टोफेलीज, ये डेविल्स पार्टी है, ए डेविल फ्रॉम फर्स्ट होम फर्स्ट समन्स विद इनिशियल मैजिकल एक्सपेरिमेंट्स, थोड़ा बहुत उसने ब्लैक मैजिक सीखा था, उस ब्लैक मैजिक से उसने क्या किया समन किया लूसीफर को, और लूसीफर उसके पास आया, उसने लूसीफर को कहा कि तुम जाके इसको लाओ मुझे उससे सौदा करना है। मेफिस्टोफेलीज मोटिवेशन आर एम्बिगुअस, अस्पष्ट थी उसकी जो प्रेरणा थी जो उसने लूसीफर क्या इसको डॉक्टर फास्टस बताई थी, ऑन वन हैंड एक तरफ तो उसकी ये थी देखो हिज ऑफ्ट एक्सप्रेस्ड गोल इज टू कैच फर्स्ट सोल एंड कैरी इट ऑफ टू हेल, पहला उसका लक्ष्य ये था कि मैं डॉक्टर फास्टस की जो सोल है उसको कैच करूं और उसको हेल में ले चलूं मतलब नरक में ले चलूं, दूसरी तरफ उसका क्या काम था ऑन दी अदर हैंड है ही एक्टिवली अटेम्प्ट टू डिस्यूड, उसको प्रेरित कर रहा था उसको रोक रहा था फ्रॉम मेकिंग ए डील विद लूसीफर बाय वार्निंग हिम अबाउट द हॉरर्स ऑफ डेल, उस हेल उसको उस नरक के जो हॉरर्स थे डरावनी कहानियां थी नरक के बारे में वो बता के उसको वार्निंग कर रहा था, उसको रोक रहा था कि वो डील नहीं करे अपनी आत्मा को नहीं बेचे लूसीफर को। इसका थर्ड करेक्टर है जिसके बारे में हम देखते हैं और वो है कोर्स, कोर्स ए करेक्टर हु स्टैंड्स आउटसाइड द स्टोरी, जो स्टोरी के बाहर खड़ा हुआ है
स्टोरी बताते हुए प्रोवाइडिंग नरेशन एंड कमेंट, जो हमें स्टोरी बता रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं एन ओल्ड मैन भी है इसमें, एन एनिग्मेटिक फिगर जो कि एक बाहरी आदमी है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, हु अपियर्स इन द फाइनल सीन, जो कि फाइनल सीन में आता है इस प्ले में। द ओल्ड मैन अर्जेस फर्स्ट टू रिपेंट एंड आर टू आस्क गॉड फॉर मर्सी। ओल्ड मैन जब फाइनल सीन में आता है तो फर्स्ट रिमोर्स कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि मैंने ये कर दिया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो उसे निवेदन करता है फर्स्ट से कि तुम रिपेंट करो, पश्चाताप करो और गॉड से रिक्वेस्ट करो कि मुझे दया करें, मेरे ऊपर दया करें। ही सीम्स टू रिप्लेस द गुड एंड ईविल एंजल्स, ऐसा लगता है कि उसने इन दोनों की जगह ले लिया, गुड और ईविल एंजल्स की। अब गुड एंजल्स की बात करते हैं। ए स्पिरिट दैट अर्जेस फर्स्ट टू रिपेंट फॉर हिज पैक्ट विद लूसीफर एंड रिटर्न टू गॉड, ऐसी आत्माएं जो कि उससे निवेदन करती हैं गुड एंजल्स से फर्स्ट से कि तुम पश्चाताप करो अपने पैक्ट के प्रति जो तुमने समझौता किया लूसीफर के साथ में, और रिटर्न टू गॉड हो जाओ, मतलब भगवान की तरफ वापस चले जाओ। ईविल एंजल्स, ए स्पिरिट सर्व्स एज द काउंटर पार्ट ऑफ द गुड एंजल्स, मतलब ये गुड एंजल्स का विरोधी था, एंड प्रोवाइड फर्स्ट विद रीजन्स नॉट टू रिपेंट फॉर सिंस अगेंस्ट गॉड, मतलब तूने भगवान के खिलाफ जो काम किया ना उसके खिलाफ, उस पर तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, वो उसको रीजन देते हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं लूसीफर को। द प्रिंस ऑफ डेविल्स, डेविल्स का जो प्रिंस है ना वो यही है, द रूलर ऑफ हेल, हेल का ये रूलर है, एंड मेफिस्टोफिलीज मास्टर, और मेफिस्टोफिलीज का मास्टर है ये वैगनर, ये डॉक्टर फास्टस का सर्वेंट था। क्लाउन, ए क्लाउन हु बिकेम्स ए वैगनर सर्वेंट, एक क्लाउन ऐसा है जो वैगनर का सर्वेंट बन जाता है। द क्लाउन्स एंटिक्स प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, इसकी जो कलाबाजियां हैं, जो छोटी मोटी वो कलाबाजियां करते हैं ना, वो क्या करते हैं, हरकतें हमें कॉमिक रिलीफ देती है। कॉमिक रिलीफ होता है सीरियस माहौल में अगर कोई कॉमिक सीन आ जाए तो उसको बोलते हैं कॉमिक रिलीफ देना। ही इज रिडिकुलस करेक्टर, मतलब वो एक हास्यास्पद कलाकार है। रॉबिन एन ऑस्टलर, ऑस्टलर वो होता है जो एक इन में, इन बोले तो सराय में, इन कीपर में घोड़े की देखभाल करने के लिए रखा होता है। हु लाइक द क्लाउन प्रोवाइड्स ए कॉमिक कंट्रास्ट टू डॉक्टर फास्टर, मतलब इस प्ले में वो भी एक कॉमिक कंट्रास्ट हमें देते हैं। रेफ, ये भी एक एनोस्टलर है एंड ए फ्रेंड ऑफ रॉबिन, ये रॉबिन का फ्रेंड है। वाल्डास एंड कॉर्नेलियस, कॉर्नेलियस ये दोनों ही डॉक्टर फास्टर्स के कॉलेज मेट्स हैं, बोथ मैजिशियंस हैं। हु टीच हिम द आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक, ये दोनों ही डॉक्टर फास्टर्स को ब्लैक मैजिक सिखाते हैं। हॉर्स कर्सर, हॉर्स कर्सर होता है तेज गति के घुड़सवार, ए हॉर्स ट्रेडर हु बायज ए हॉर्स फ्रॉम डॉक्टर फास्टस विच वेनिशेस आफ्टर द हॉर्स कर्सर राइड्स इट इन टू द वाटर, जब पानी में चला जाता है घोड़ा लेकर, क्योंकि वो घोड़ा डॉक्टर फास्टस बेचता है उसको ट्रेडर को, और जब वो पानी में चला जाता है तो वो वेनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, इसलिए ये हॉर्स ट्रेडर भी उससे बदला लेना चाहता था। एंड द स्कॉलर्स, फास्टस कलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, ये सारे उसके कलीग्स थे। लॉयल टू फास्टस, फास्टस को लॉयल भी थे। द स्कॉलर्स अपीयर एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्ले टू एक्सप्रेस डिसमे एट द टर्न डॉक्टर फास्ट स्टडीज हैव टेकन एंड टू मार्वल एट हिज अचीवमेंट्स, ये डॉक्टर फास्टस की जो अचीवमेंट्स थी या जो उससे नॉलेज लिया गया था अपना नॉलेज, और उस पर वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए सीन फर्स्ट में और लास्ट में आते हैं। लास्ट है हमारा द पोप, पोप भी एक है जो रोमन कैथोलिक चर्च का है एंड पावरफुल पॉलिटिकल फिगर इन द यूरोप ऑफ फास्टस प्ले, फास्टस प्ले में, फास्टस के डे में यूरोप में एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर भी था और चर्च का, कैथोलिक चर्च का पोप भी था। द पोप सर्व्स एज बोथ एज ए सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर द प्लेज प्रोटेस्टेंट ऑडियंस एंड ए सिंबल ऑफ रिलीजियस फेथ दैट डॉक्टर फास्टस एज रिजेक्टेड। नेक्स्ट अपने बात करें एम्परर चार्ल्स फिफ्थ, द मोस्ट पावरफुल मोनार्क इन यूरोप हुज कोर्ट फॉर डॉक्टर फास्टस विजिट्स। नेक्स्ट है हमारा द नाइट, नाइट होते हैं सैनिक, ए जर्मन नोबलमैन एट द एम्प्रेस कोर्ट। द नाइट इज स्केप्टिकल ऑफ डॉक्टर फास्टस पावर, इसको थोड़ा शक था कि डॉक्टर फास्टस के पास कोई पावर है, एंड फास्टस मेक्स
एंटलर्स मतलब उसके सींग निकाल देता है, एंटलर्स मतलब सींग, स्प्राउट फ्रॉम हिज हेड टू टीच हिमिलेशन, उसको एक सबक सिखाने के लिए उसके सर से सींग निकाल देता है, इसलिए उस ये भी उसका विरोधी हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी को। डॉक्टर फास्टस, वेल रिस्पेक्टेड जर्मन स्कॉलर, ग्रोज डिससेटिस्फाइड विद द लिमिट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, लॉजिक, मेडिसिन, लॉ, रिलीजन एंड डिसाइड्स, मतलब जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स की स्टडी थी उसकी जो लिमिट्स थी ना उससे वो असंतुष्ट था, इसलिए उसने कहा कि मैं इन सब के अलावा कुछ और सीखना चाहता हूँ, दैट ही वॉन्ट्स टू लर्न द प्रैक्टिस मैजिक, और इसने उसने डिसाइड किया कि मैं प्रैक्टिस करूंगा मैजिक की। हिज फ्रेंड वाल्डर्स एंड कॉर्नेलियस इंस्ट्रक्ट हिम इन ब्लैक आर्ट्स, कुछ उसको सिखाया ब्लैक आर्ट्स, एंड ही बिगेन्स हिज न्यू करियर एज ए मैजिशियन बाय समनिंग अप मेफो मेफास्टिफिल्स। ये स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंस है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हमें बहुत बार मिलती है। तो मेफास्टिफिल्स को बुलाता है वो ए डेविल, डिस्पाइट मेफास्टिफिल्स वार्निंग अबाउट द हॉरर्स ऑफ हेल, हेल के जो हॉरर्स है उसकी वार्निंग के बावजूद विद फास्टस टेल द डेविल टू रिटर्न टू हिज मास्टर लूसीफर विद एन ऑफर ऑफ फास्टस हिज सोल इन एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज फॉर 24 ईयर सर्विस फ्रॉम मेफास्टिफिल्स। अब वो कहता है कि तुम 24 ईयर्स की एक सर्विस लेकर जाओ और मेरी आत्मा के बदले मुझे वो अपनी सर्विस दें, और ये ऑफर है मेरा, उसको जाके बताओ। मीन वाइल वैगनर, फास्टस इज सर्वेंट, हैज पिक्ड अप सम मैजिकल एबिलिटी एंड यूजेज इट टू प्रेस ए क्लाउन नेम्ड रॉबिन इन टू हिज सर्विस। इसी दौरान वो अपना एक सर्वेंट है उसका, वो क्या करता है कुछ मैजिकल एबिलिटी सीख लेता है और वो भी उस मैजिक को यूज करता है नेम्ड रॉबिन, और उसको इन टू अपनी सर्विस में ले लेता है। मेफिस्टिफिल्स रिटर्न टू फास्टस, उसके पास आता है वापस विद वर्ड दैट लूसीफर हैज एक्सेप्टेड फास्टस ऑफर, उसका ऑफर स्वीकार कर लिया फास्टस ने। फास्टस एक्सपीरियंसेस सम मिसगिविंग्स, उसको कुछ वहम हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, एंड वंडर्स इफ ही शुड रिपेंट एंड सेव हिज सोल इन द एंड, अगर वो पछताता है, पछताना चाहिए उसको, या वो अपनी आत्मा को बचा लेता है एंड एंड ही एग्रीज टू डील साइनिंग इट विद हिज ब्लड, लेकिन वो फिर भी डील को एग्री कर लेता है और अपने खून से उसको साइन कर देता है। एज सुन एज ही डज सो, जैसे वो ऐसा करता है, द वर्ड्स होम्योफ्यूज लेटिन में ऐसा वर्ड्स उसकी बाजू पे छपता है, ओ मैन फ्लाई अपीयर ब्रांडेड ऑन हिज आर्म, उसकी आर्म पे ये वर्ड छपता है ओ मैन फ्लाई। फास्टस अगेन हैज सेकेंड थॉट्स, अब उसके मन में दूसरे ख्याल आते हैं, बट मेफिस्टोफेल्स बेस्टोस रिच गिफ्ट्स ऑन हिम एंड गिव्स हिम ए बुक ऑफ स्पेल्स टू लर्न, उसको जादू की किताब देता है और बहुत सारे उपहार उसको प्रदान करता है। लेटर मेफिस्टोफेल्स आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, संसार प्रकृति के बारे में, प्रकृति संसार की जो प्रकृति है उसके बारे में वो सारे क्वेश्चंस को जवाब देता है। रिफ्यूजिंग टू आंसर ओनली व्हेन फास्टस आस्क्स हिम हु मेड द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को किसने बनाया, जब ये क्वेश्चन फास्टस मेफिस्टोफेल्स से पूछता है तो उसके बाद में सारे उनसे जवाब देना वो बंद कर देता है। दिस रिफ्यूजल प्रॉम्प्ट्स येट अनदर इंडिकेशन ऑफ मिसगिविंग्स इन फास्टस, इस रिफ्यूजल से उसको थोड़ा और वहम हो जाता है, उसकी गलतफहमी और बढ़ जाती है। बट मेफिस्टोफेल्स एंड लूसीफर ब्रिंग इन पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेवन डेडली सिंस टू प्रेंस अबाउट इन फ्रंट ऑफ फास्टस, लेकिन लूसीफर और मेफिस्टोफेल्स दोनों मिलकर सेवन सेवन डेडली सिंस हैं उनको नाच नचवाते हैं डॉक्टर फास्टस के सामने, पर्सोनिफिकेशन करवा के, एंड ही इज इम्प्रेस्ड इनफ टू क्विट हिज डेड डाउट्स, अपने डाउट्स को छोड़ देता है और वो इम्प्रेस हो जाता है उन डेडली सिंस के डांस से। आर्म्ड विद हिज न्यू पावर्स, अपनी शक्तियों से सराबोर होके एंड अटेंडेड बाय मेफिस्टोफेल्स, और इसके द्वारा उसको शिक्षा दी गई थी, फास्टस बिगेंस टू ट्रेवल, फास्टस चलना शुरू कर देता यात्रा। ही गोज टू द पोप्स कोर्ट इन रोम, रोम में जाता है पोप के कोर्ट में, मेक्स हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य कर लेता है, एंड प्लेज ए सीरीज ऑफ ट्रिक्स, काफी ट्रिक्स करता है वो, ही डिसरप्ट्स द पोप्स बैंकेट बाय स्टीलिंग फूड एंड बॉक्सिंग द पोप्स ईयर, वहां पे उसकी जो दावत खाना था, भोज था, उसमें वो खाना चोरी करता है और उसके कान में जाके वो बॉक्सिंग करता है।
तो ये इस प्रकार उसको वो डिसरप्ट करता है। फॉलोइंग दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को फॉलो करते हुए ही ट्रेवल्स थ्रू द कोर्ट ऑफ यूरोप, वो यूरोप की कोर्ट से गुजरता है। विद हिज फेम स्प्रेडिंग एज ही गोज, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसकी फेम ही बढ़ती जाती है। इवेंचुअली ही इज इन्वाइटेड टू द कोर्ट ऑफ जर्मन एम्परर चार्ल्स V। चार्ल्स V के एक राजा था जर्मनी का, एम्परर था, सम्राट था, उसके कोर्ट में उसको बुलाया जाता है। और ये क्या था, द इनेमी ऑफ द पोप, ये पोप का इनेमी था। हु आस्क फर्स्ट टू अलाउ हिम टू सी एलेक्जेंडर द ग्रेट, अब फर्स्ट इसके के दरबार में पहुंच जाता है, तो ये फर्स्ट उसको कहता है कि तुम मुझे एलेक्जेंडर द ग्रेट, द फेम्ड 4th सेंचुरी BC मैसेडोनियन किंग है ना, एंड कंकरर जो सम्राट था, विजेता था, योद्धा था, वो दिखाओ मुझे एलेक्जेंडर द ग्रेट को। फर्स्ट कंजर्स अप इन इमेज ऑफ एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर की एक इमेज पे वो जादू छिड़कता है, कंजर सब मतलब जादू छिड़कना। एंड चार्ल्स इज सूटेबली इम्प्रेस्ड, और चार्ल्स उससे बहुत प्रभावित होता है। ए नाइट स्कॉफ्स एट फर्स्ट इस पावर, स्कॉफ्स होता है मजाक उड़ाना, मेक फन। अब एक नाइट ने, एक सैनिक ने इसकी पावर्स का मजाक उड़ाया। एंड फर्स्ट चेस्टाइजेज हिम बाय मेकिंग एंटलर्स प्राउड फ्रॉम हिज हेड, अब उसको सजा देता है कि उसके सर से वो सींग निकाल देता है, सींग उगा देता है। फ्यूरियस द नाइट वोव्स रिवेंज, अब जो नाइट है, जो सैनिक है, वो भी क्या करता है, गुस्से में आ जाता है और वो शपथ लेता है कि मैं इससे रिवेंज लूंगा। मीन वाइल रॉबिन वैगनर्स क्लाउन हैज पिक्ड अप सम मैजिक ऑन हिज ओवन एंड विद हिज फेलो स्टेबल हैंड, मतलब अस्तबल में जो काम कर रहा था ना, उसके सहयोग से, रेफ से, ही अंडरगोज ए नंबर ऑफ कॉमिक मिस एडवेंचर्स हैं, काफ़ी सारी उसकी हरकतें थी जो कॉमिक थी, वो सारी में प्ले में मिलती हैं। एट वन पॉइंट ही मैनेजेस टू समन मेफिस्टोफेलिस, एक समय पर वो समन कर लेता है, मतलब बुला लेता है लूसीफर के दूत को, एंजल को, मेफिस्टोफेलिस को, हु थ्रीटन्स टू टर्न रॉबिन एंड रेफ इन टू एनिमल्स, जो आके उनको दोनों को धमकाता है, वार्निंग देता है कि मैं तुम्हें एनिमल बना दूंगा, टू पनिश देम फॉर देस फुलिसनेस, उनकी बेवकूफ़ी के लिए उन्हें जानवर बना देगा। फर्स्ट देन गोज ऑन विद हिज ट्रेवल, अपनी यात्रा पे चलता रहता है, प्लेइंग ए ट्रिक ऑन ए हॉर्स कर्सर अलोंग द वे, रास्ते में उसको एक तेज घुड़सवार मिलता है, उसके साथ वो ट्रिक करता है। फर्स्ट सेल्स हिम हिज ए हॉर्स दैट टर्न्स इनटू हीप ऑफ स्ट्रॉ, ये वो कूड़े के ढेर में बदल जाती है, तिनकों के ढेर में। व्हेन राइडन इनटू ए रिवर, जब वो नदी पार कर रहा होता है। इवेंचुअली फर्स्ट इज इनवाइटेड टू द कोर्ट ऑफ द ड्यूक, और ड्यूक के कोर्ट में उसको बुलाया जाता है, जो ड्यूक है वैन होल्ट का, वेर ही परफॉर्म्स वेरियस फीट्स, फीट्स मतलब अलग अलग तरीके के कारनामे दिखाता है, वो कुछ कलाबाजी करता है। द हॉर्स कर्सर शोज अप देयर, वो वहां भी होता है, अलोंग विद रॉबिन ए मैन नेम्ड डिक, रेफ इन ए टेक्स्ट, मतलब ये भी डिक के जो नेम है ना, वो इस रॉबिन का था। एंड वेरियस अदर्स हु हैव फॉलन विक्टिम टू फर्स्ट ट्रिकरी, मतलब ये जो कोर्ट था, इसमें वो सारे लोग आ गए जिन जिन को डॉक्टर फर्स्ट ने प्रताड़ित किया था या दंडित किया था। बट फर्स्ट कास्ट स्पेल ऑन देम एंड सेंट देम ऑन देयर वे, लेकिन उसने जादू चलाया, फर्स्ट उसने कास्ट किया जादू का, स्पेल का, और उनको अपने अपने रास्ते भेज दिया, टू द अम्यूजमेंट ऑफ द ड्यूक एंड डचेस, ड्यूक और डचेस के खुश करने के लिए। एज द 24 ईयर्स ऑफ हिज डील विद लूसीफर केम टू क्लोज, क्योंकि 24 ईयर्स खत्म होने वाले थे, फर्स्ट बिगिंस टू ड्रीड हिज इम्पेंडिंग डेथ, जो नजदीक आती है उसकी मृत्यु है ना, उससे वो डरना शुरू कर देते हैं। ही हैज मेफिस्टोफेलिस से कॉल अप हेलन टू ट्रॉय, अब वो कहता है कि जो ट्रॉय की हेलन थी, जो गोडेस ऑफ ब्यूटी है, उसको बुलाओ, द फेमस ब्यूटी फ्रॉम द एंशंट वर्ल्ड, एंड यूजेस हर प्रेजेंस टू इम्प्रेस ए ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, है स्कॉलर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो उसका यूज करता है। एन ओल्ड मैन अर्जेस फास्टेस्ट टू रिपेंट, एक बूढ़ा आदमी उसको निवेदन करता है कि तुम रिपेंट करो, मतलब पश्चाताप करो, बट फास्टेस्ट ट्राइब्स में, परंतु फास्टेस्ट उसको निकाल देता है। फास्टेस्ट समन्स हेलेन अगेन एंड एक्सक्लेम्स अबाउट हर ब्यूटी, और उसकी ब्यूटी के बारे में वो घोषणा करता है, दावे करता है, और दोबारा वो उसको बुलाता है हेलेन को। बट टाइम इज ग्रोविंग शॉर्ट, लेकिन समय बीतता जा रहा था,
फर्स्ट टेल्स द स्कॉलर्स अबाउट हिज पैक्ट। अब अपने पैक्ट के बारे में वो बताता है कि मैंने ये सौदा कर रखा है लूसीफर के साथ है, एंड दे आर हॉरर स्ट्राइकन, और सब के सब डर जाते हैं क्योंकि सारे स्कॉलर्स वहाँ बैठे थे। एंड रिजॉल्व टू प्रे फॉर हिम, और वो सारे संकल्प करते हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रे करेंगे, निवेदन करेंगे गॉड से। ऑन द फाइनल नाइट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 24 ईयर्स, आखिरी रात को जब उसकी एक्सपायरी हो रही थी 24 ईयर पैक्ट की, फर्स्ट इज ओवरकम बाई फियर एंड रिमोर्स, पश्चाताप और दुख से भर जाता है वो डर से। ही बेग्स फॉर मर्सी बट इट इज टू लेट, वो दया के लिए भीख मांगता है लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। एट मिडनाइट ए होस्ट ऑफ डेविल्स अपीयर, डेविल्स का एक होस्ट अपीयर होता है एंड कैरीज हिज सोल ऑफ टू हेल, और उसकी आत्मा को हेल में ले जाता है। इन द मॉर्निंग द स्कॉलर्स फाइंड फर्स्ट स्लिम्स एंड डिसाइड टू होल्ड ए फ्यूनरल फॉर हिम, और उसका कंकाल देखते हैं, उसकी डेड बॉडी देखते हैं वहाँ पे, और फिर उसको फ्यूनरल पे ले जाते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।